नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग वैष्णव चिक चिक बाबा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे आपकी कैनन 3300 में ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी को आपको लाइट डार्क करना हो, अगर आपकी कॉपी लाइट आ रही हो उसको एडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये रही मेरी मशीन IR3300। आज हम देखेंगे सेटिंग में जाकर कॉपी डार्क लाइट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ एडिशनल फंक्शन और 2 और 8 दोनों साथ में दबाना है, फिर एडिशनल फंक्शन, फिर आप देख रहे कॉपी है, फिर एडजस्ट में डेवलप। देखिए अभी दोस्तों मेरे 128 है, ठीक है। अब 128 में कॉपी कैसी आ रही है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी में करके देखता हूँ, 128 में ये मैंने कॉपी रख दी है, बैक टू बैक है, तो ये कॉपी में चेक कर रहा हूँ पहले। देखिए कॉपी आ गई। देखिए दोस्तों, कॉपी तो मेरे ख्याल से अच्छी है, ये कॉपी को और भी डार्क करना हो भी तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। ये मुझे लग रहा है अभी थोड़ी लाइट है, तो रिसेट एडिशनल फंक्शन 2 8 एडिशनल फंक्शन, फिर कॉपियर, फिर एडजस्ट, फिर डेवलप। डेवलप में जाके क्या करोगे, इधर आप देख रहे हैं दोस्तों 128 है, इधर मैं कम करता हूँ तो कॉपी डार्क होगी और मैं ज़्यादा करता हूँ तो कॉपी लाइट हो जाएगी। तो आपको जो भी करना है आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं अभी 2 1 2 1 121 कर रहा हूँ, फिर ओके दबा रहा हूँ। इधर 121 होना ज़रूरी है, आप देख लीजिए, वरना आपकी कॉपी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको लाइट करनी है कॉपी तो आप बढ़ाइए डिजिट, और डार्क करनी है तो डिजिट कम करिए। और ध्यान रखिए कि कम करने में आप 100 से नीचे मत जाइए, वरना आपकी मशीन में कोई भी एरर आ सकती है, ठीक है। और हम देखिए 121 में किसी कॉपी आ रही है। देखिए अब हम कंपैरिजन करेंगे पहली वाली और ये पहली वाली है, और डार्क करने के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं डार्क, ये थोड़ी डार्क हो के आई है, देखिए थोड़ी लाइट है। ये लाइट हो गई, ठीक है। ये आप जानिए, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम देखिए अब देखेंगे हम डेंसिटी है जो मशीन की, वो कैसे एडजस्ट करें। वही फंक्शन रिपीट, फिर कॉपी है, फिर एडजस्ट। ये रहा आपका डेंस। डेंस में एवरेजली तो 5 रखा जाता है, आप कम करते 3 करेंगे तो आपकी मशीन में जामिंग प्रॉब्लम आ सकती है। वो आपके अनुकूल जो भी डेंसिटी है आप सेट कर सकते हैं। मैंने तो इधर 5 रखे, तो 5 तो मेरे लिए सूटेबल है। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।